आपके साथ नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सरायकेला में ट्रेन हादसा हुआ है और चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़ा हादसा हुआ। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हुई है और बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। 5 कोचेस पटरी से उतर गए और हादसे में एक यात्री के मौत की भी खबर मिल रही है और करीब 20 लोगों के घायल होने की मिल रही है जानकारी। झारखंड के सरायकेला में ट्रेन हादसे की मिल रही जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। चक्रधरपुर रेल मंडल में एक बड़ा हादसा हुआ ट्रेन का, जिसमें 5 कोच हावड़ा मुंबई ट्रेन के पटरी से उतर गए और इस हादसे में एक यात्री के मौत की भी खबर मिल रही है और इसके अलावा करीब 20 लोगों के घायल होने की जानकारी अब तक मिल चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड के सरायकेला में ये ट्रेन हादसा हुआ था और इस हादसे की बात करें तो चक्रधरपुर रेल मंडल में ये बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, और अभी लगातार जो है नजर बनी हुई है, राहत बचाव कार्य चल रहा है, वहां पर भी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हादसे में एक यात्री की मौत बताई जा रही है, हालांकि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि कितने लोगों की मौत हुई है झारखंड के सरायकेला की ओर। और ऐसे में ये बड़ा हादसा माना जा रहा है, ट्रेन हादसा चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़ा रेल हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई रेल दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आप इन 5 कोचेस को देख रहे हैं जो कि डीरेल हो चुके हैं, पटरी से हट चुके हैं। हादसा कैसे हुआ, क्या वजह थी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लोग बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में फौरन से भिजवाया जा रहा है। आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहां पर पहुंच गए जो कि मदद करना शुरू कर दिए। 5 कोच पटरी से उतरे हैं, झारखंड के सरायकेला में ट्रेन हादसा हुआ है और इस हादसे से जुड़ी लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। हावड़ा मुंबई रूट पर हुए इस हादसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के सरायकेला में हुए इस ट्रेन हादसे में 5 कोचेज पटरी से उतर गए। और अगली खबर सिंगरौली से, जहां बोरवेल में एक मासूम को गिरने के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है, मासूम सौम्या को बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची की कल ही जन्मदिन भी था। हालांकि ये बहुत दुखद है कि बोरवेल में मासूम गिरी, जिसको आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। वो अस्पताल में इस वक्त भर्ती है और लगातार नजर डॉक्टर बनाए हुए हैं मासूम सौम्या को बाहर निकाल लिया गया है। ये गनीमत रही कि अब उसको बाहर निकाल लिया गया है और वो अस्पताल में भी भर्ती है, कल ही उसका जन्मदिन भी था। बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसों को रोक पाना अंशिका अभी भी लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार एक निश्चित समयांतराल पर एक न एक ऐसी दुर्घटना देखने को मिलती है जिसमें बच्चे बोरवेल में गिरते हैं। कितने ही प्रयास, कितने ही जागरूकता अभियान और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाने की बात कही जाती रही हो, लेकिन बच्चों के बोरवेल में गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। और यहाँ एक राहत की बात, गनीमत ये रही कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि बोरवेल में गिरने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बच्ची को जरूर आई हैं, जिसे एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में और जल्द ही बच्ची रिकवर कर ले, इसके लिए लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और बोरवेल में बच्चों के गिरने का सिलसिला रोकने के लिए हमें और आपको भी आगे आना होगा और प्रयास करना होगा कि बोरवेल खुले न रहें, जिन बोरवेल की आवश्यकता नहीं है उन्हें बंद किया जाए और इस तरह से बोरवेल के गड्ढों को खुला छोड़ देना बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। बिल्कुल, और ऐसे कई घटनाएं आ चुकी है, बावजूद इसके लोगों की नींद नहीं खुलती। हरीश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, मासूम की हालत अभी कैसी है, क्या वो ठीक है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी एक ट्वीट आया है और तमाम जो अपडेटें आ रही हैं इसके मुताबिक जो है तो बच्ची की मौत हो चुकी है। हालांकि उसे बोरवेल से निकालने के ठीक बाद ही उसे अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल ले जाने के बाद जो है तो उसकी प्रशासनिक पुष्टि होनी बाकी थी कि चिकित्सकीय जो पुष्टि है वो हो जाए कि बच्ची की हालत क्या है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुखिया का जो ट्वीट आया है, ट्वीट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बड़ी दुखद घटना थी और बच्ची बच नहीं सकी, इसके लिए उन्होंने अपनी जो संवेदनाएं हैं वो भी व्यक्त की है।
तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से बच्ची एक बोरवेल में गिरी थी और 7 घंटे का जो वक्त था उस वक्त तक प्रशासन ने उसे बाहर निकालने की कवायद की, वह प्रशासन उसे बाहर निकालने में सफल हुआ लेकिन बच्ची को बचा नहीं सके हैं, उसकी मौत हो चुकी है और फिलहाल उसे जो है तो अभी हॉस्पिटल में ये रखा गया है और परिवारजनों को भी इसकी भी भनक नहीं थी लेकिन अब थोड़ी देर में तमाम जो है तो परिवारजनों को भी भनक हो जाएगी और जो उसके परिवारजन है तो इस बात से और रो के उनका बुरा हाल है, चूंकि बच्ची तो बोरवेल में गिरी लेकिन उसका जब कल वो बोरवेल में गिरी थी उसी दिन यानी कल के दिन ही उस बच्ची का जन्मदिन भी था, तो समझा जा सकता है कि परिवारजन कितने खुशी में रहे होंगे कि कैसे उसका जन्मदिन मनाएंगे, कैसी खुशियां मनाएंगे, लेकिन जो तमाम जो खुशियां हैं उनकी वो मातम में बदल गई हैं और जो बोरवेल में गिरी है इसके बाद से उनको एक उम्मीद थी और प्रशासन ने उन्हें एक ढाढ़स दिया था कि उसे जिंदा बाहर निकालेंगे लेकिन सिंगरौली जिला प्रशासन ने मशक्कत की और तमाम जो कठिनाइयों का सामना करते हुए रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बावजूद भी उसे 7 घंटे के बाद तो बाहर निकाल लिया लेकिन बाहर निकालने के बाद वो बच्ची जिंदा नहीं बच सकी है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से, और चूंकि हरीश ऐसे हर दूसरे चौथे पांचवे दसवें के निश्चित समयांतराल पर इस तरह की दुर्घटनाओं की दुखद खबरें बतानी पड़ती है हमें और इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बोरवेल किस जगह पर था, किसका ये बोरवेल है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई पुलिसिया कार्रवाई भी किए जाने की तैयारी है, चूंकि इस तरह के हादसे इसके लिए सीधा सीधा वे ही लोग जिम्मेदार हैं जो इन्हें खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल आशीष आपने सही कहा, पिछले दिनों एक रीवा में घटना हुई थी, वहां भी एक बच्चा गिरा था, वो भी बच्चा खत्म हो गया था, हालांकि वहां 3 दिन रेस्क्यू चला था लेकिन वहां जो कार्यवाहियां हुई थी जो प्रशासनिक कार्यवाही हुई थी बोर मालिक के खिलाफ हुई थी, लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि आशीष की जो जिस तरीके से बोरवेल जो है तो बोरवेल जिस बच्ची जो बच्ची गिरी है उसी के घर परिवार वालों का वो है बोरवेल है और बताया जा रहा है कि 10 साल पहले का बोरवेल है और 10 साल पहले उस बोर की खुदाई कराई गई थी, तकरीबन 100 फीट की जो बोर है उसकी गहराई थी लेकिन लगातार जो पानी का छाव जो पानी उसमें नहीं आ रहा था तो लोगों ने उसे भाटने गई नहीं, उस हम अपने यहाँ की भाषा में कहते हैं कि भाट रहे थे लेकिन इसके बावजूद भी जो बोर है तो बोर की जो उसकी क्रेसिंग थी क्रेसिंग निकाल दिया गया था और उस तमाम जहाँ वो बोर है वहीं अगल बगल फसल लगाई गई थी, फसल भी किसकी चीज थी आशीष, भुट्टे की फसल थी, तो समझा जा सकता है कि भुट्टे की फसल है और आसपास वहाँ कोई ऐसा चिन्हित नहीं किया गया कि यहाँ बोर है। हरीश ये चिंता का विषय है कि 10 साल से इसी तरह ये जगह ऐसे खाली पड़ी है, क्या किसी ने शिकायत भी नहीं की थी? देखिए इसमें जाहिर तौर पर होता क्या है कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो तमाम प्रदेश के मुखिया से लेकर सरकार तक और जिला प्रशासन तक इस बात के लिए एक मुहिम चलाते हैं कि हम खुले बोरवेल को बंद करेंगे लेकिन असल में जिन चीज जिसको बंद करना चाहिए जो जिम्मेदार है जो जिनका बोर खुला हुआ है वो जब तक अपने आप में समझदारी नहीं लाएंगे तो सरकार प्रशासन सिस्टम कुछ भी करे वो नहीं हो सकता, यही कारण है कि यहाँ भी चूंकि 10 साल से बोर खुला हुआ था घर परिवार वालों का एक अपने आप में एक धारस था कि जो बोर है वो अपने आप भट चुका होगा पूरी तरीके से लेकिन असल में वह बोर भटा नहीं था और जैसे ही थोड़ी सी बरसात हुई तो ऊपर तो मिट्टी डाली गई थी वो बरसात हुई तो बरसात के चलते जो पानी गया वो पानी बोर के अंदर तक चला गया और एक अच्छी खासी सुरंग बनती चली गई, यही कारण है कि बच्ची जब वहाँ अपने पिता के साथ जो है तो पहुंची हुई थी खेत में और बकरी भी एक साथ में थी और हालांकि ये भी बता रहे हैं लोग कि बकरी चरा रही थी लेकिन असल में बच्ची खेल रही थी और पिता उसके उसी बाड़ी में काम कर रहे थे लेकिन जैसे ही उस जो है गड्ढा था खाई में एक गड्ढा था उस गड्ढे में बच्ची का पांव पड़ा है इसके ठीक बाद ही बच्ची गहरे बोरवेल के अंदर चली गई है, तब उसकी घर परिवार वालों की यानी आंख खुली है कि नहीं ये तो बोरवेल अभी और गड्ढा है गहरा गड्ढा है, तब जाकर उसकी खबर प्रशासन को दिए है, प्रशासन को देने के बाद इसका रेस्क्यू कराया जा सका है, हालांकि सिंगरौली जिला प्रशासन ने जिस लहजे से रेस्क्यू करने में बड़ी तत्परता दिखाई चूंकि तमाम बेसिक समस्याएं थी, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था कि पहले से जागरूक हो कि कैसे बोरवेल में खुदाई करनी है कैसे सुरंग करनी है, इसके बावजूद भी उन्होंने जो 6 घंटे 7 घंटे की कड़ी मशक्कत करके उसे बाहर तो निकाल लिया लेकिन उसे जिंदा रख पाने में थोड़ा सा वो हो गया नहीं उसको रख पाई, इसका कारण ये एक और है क्योंकि बोरवेल के अंदर जो था वो पानी था, अगर पानी ना होता शायद तो हो सकता है बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। निश्चित रूप से हरीश की ये जो मामले हैं लोगों की आंख इस तरह की दुर्घटनाओं की जानकारी मिलने के बावजूद भी नहीं खुल रही है और जिस परिवार की ये बच्ची है उसी परिवार ने बोरवेल को खुला छोड़ दिया था, अब इस परिवार के लिए ये कितनी बड़ी सजा होगी कि बच्ची अब
नहीं रही। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हरीश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट सामने आ चुका है। इस वक्त अपने दर्शकों को हम वो दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने 3 वर्षीय सौम्या की इस दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। उसमें कहा गया है कि सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत चितरंगी के ग्राम कसर में किसान पिंटू शाह के स्वयं खेत में 3 वर्षीय पुत्री सौम्या शाह की बोरवेल में गिरकर मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद है और उन्होंने दुख व्यक्त किया। और देवास में पिकनिक मनाने गए 4 युवा तेज बारिश के चलते तेज बहाव में फंस गए। तेज बारिश के चलते केदार खो में फंस गए हैं युवा। नागदा पहाड़ी पर पिकनिक मनाने के लिए वो गए थे। ग्रामीणों ने चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बारिश रुकने पर पानी का बहाव कम हो चुका है अब। हालांकि पिकनिक मनाने के लिए गए थे ये युवा जो फंस गए देवास में। तेज बारिश के चलते वो यहां पर फंस गए। हालांकि बार बार ये चेतावनी जाहिर की जाती है, तेज बारिश में नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। कई लोग वाटरफॉल भी देखने के लिए जाते हैं। ऐसे में युवाओं के फंसने की खबर सामने आई है जो पिकनिक मनाने गए थे। ग्वालियर में दिन दहाड़े गोली मारकर महिला की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में भी इस पूरे हत्याकांड की तस्वीरें कैद हुई हैं और महिला के बेटे को मारना चाहते थे ये बदमाश। बेटे की जगह मां को गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया इसमें महिला को गोली लगी है उस वारदात की तस्वीरें हैं और सीसीटीवी में आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भिंड में दिन दहाड़े बाजार में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दबंगों ने बाजार में जमकर उत्पात मचाया है। दरअसल दबंगई दिखाते हुए बेल्ट से मारपीट किए जाने की बात सामने आई और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुल 5 लोगों पर अब तक मामला दर्ज किया जा चुका है। दबंगई दिखाते हुए बेल्ट से मारपीट किए जाने की ये पूरी घटना और ये वीडियो उसका इस पूरी घटना का देखिए ये तस्वीरें। बीच बाजार देखिए किस तरह से मारपीट हो रही है, आतंक मचाया जा रहा है दबंगई दिखाने के लिए। और कानून व्यवस्थाओं को धता बताते हुए मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें सीहोर की आपको दिखाएंगे और रीवा की भी, जहां सीहोर के शाहगंज थाने के बनेटा में कुछ युवाओं ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। पाइप से उसे मारते मारते बेदम कर दिया। युवक गिड़गिड़ाता रहा लेकिन इनको जरा सी भी दया नहीं आई। पुलिस ने 4 पर मामला दर्ज किया है। रीवा में दिन दहाड़े एक शख्स के साथ मारपीट का ये मामला। बदमाशों ने लाठी और डंडे से और बेल्ट से शख्स को बुरी तरह से पीटा और सड़क के बीच में ये मारपीट हो रही है। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर भी उस शख्स के साथ मारपीट की। 2 तस्वीरें बेरहमी और क्रूरता की सीहोर और रीवा से सामने आई। और अब खबर ग्वालियर से है जहां नकली नोट छापने के गोरख धंधे का खुलासा हो चुका है। दरअसल नकली नोट छापने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 और 500 रुपए का नकली नोट छापा करते थे जिनकी बरामदगी यहां से हुई है। 2,04,450 रुपए के नकली नोटों की बरामदगी यहां से की गई है। जनकगंज के जागृति नगर इलाके में छाप रहे थे नकली नोट। कलर प्रिंटर और इंक बटर पेपर सहित अन्य सामान भी
यहां से बरामद हुए हैं। और इन आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं और जिन्हें अशोकनगर ये भेज चुके थे। और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक जो बरामदगी हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इनसे पूछताछ में अब ये जानने का प्रयास है कि इनके द्वारा छापे गए नकली नोटों को ये कहां तक खा पाते थे और किन लोगों की शह पर ये सब काम चल रहा था। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा एक कार्रवाई किया है, फेक इंडियन करेंसी नोट का एक प्रिंट करने वाले एक गैंग को पकड़ा है। उनमें से 2 आरोपी अब गिरफ्तार किया है। उपग्रह द्वारा सूचना मिला है कि जनगंज थाना क्षेत्र में जागृति नगर पे एक मकान किराए पे लेकर करेंसी, फेक इंडियन करेंसी चपवा रहे, तो उस इनपुट को डेवलप किया था और रविवार देर। और राजधानी भोपाल में एक बार फिर से टाइगर टीम मूवमेंट नजर आई है, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है। झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ एक बाघ दिखा है। कार में बैठकर चालक ने इसका वीडियो बना लिया। कलियासोत डैम के पास स्कूल के नजदीक बाघ की मूवमेंट की खबर मिली है। और आप भी देखिए, एक युवक किसी ने इसका वीडियो बना लिया कार में बैठकर और बाघ का मूवमेंट देखा गया। राजधानी भोपाल में टाइगर के मूवमेंट को कैप्चर किया गया है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ बाघ नजर आया है और कार में बैठकर एक चालक ने इसका वीडियो बनाया। ये कलियासोत डैम के पास स्कूल के नजदीक का बताया जा रहा है, जहां बाघ नजर आया। ऐसे में सावधानी वाली बात है कि सावधानी बरतनी होगी। बाघ की मूवमेंट की खबर जैसे ही मिली, वैसे ही सबकी निगाहें इस एरिया पर है। और बताओ, ये किया जा रहा है कि ये कल का वीडियो है और जिस तरह से बाघ दिवस कल मनाया गया, अंशिका, मुझे लग रहा है ये बाघ दिवस के अवसर पर लोगों को एक झलक दिखाने के लिए ये राष्ट्रीय पशु, जो कि एक शानदार जीव है, मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में 200 प्लांट अब बंद होंगे। स्टील उद्योगपतियों की बैठक में फैसला लिया गया है। दरअसल 2 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर भी पड़ेगा। बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर यह फैसला लिया गया। बढ़ी हुई बिजली की दरों से उद्योग चलाना काफी मुश्किल है, उद्योगपतियों का यह कहना है। और उनका यह भी कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर एक एक करके इन प्लांट्स को हम बंद कर देंगे और बढ़ी हुई बिजली की दरों से बहुत समस्या यहां पर आ सकती है। और 200 के करीब प्लांट्स बंद किए जाने का फैसला स्टील उद्योगपतियों की तरफ से लिया गया है, जिस पर सीधा सीधा यहां के 2 लाख स्थानीय लोगों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। उनके हाथों से रोजगार जाएगा और बढ़ी हुई बिजली की दरों को इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। और बीजापुर में 14 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर, जिसमें 1 लाख रुपए के इनामी सहित 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कई नक्सली घटनाओं में शामिल हो रहे थे। इस साल भी 137 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बीजापुर में 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख के इनामी सहित 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो वही रायपुर में ठगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अरेस्ट किया गया है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर कई लाखों की ठगी कर चुका था। दरअसल आरोपियों के खिलाफ 80 थानों में FIR दर्ज है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से 10 कार बरामद की गई हैं, 4 मोबाइल, लैपटॉप, 7 डेबिट कार्ड बरामद किए गए, 8 लाख रुपए बैंक के खाते में, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में ठगी के ये आरोपी, जो शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है।
वही भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। मोहन कैबिनेट की आज बैठक होगी। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय में ये बैठक होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के विकास के संबंध में जो निर्णय लिए जाने हैं, उस निर्णय से संबंधित चर्चा आज की इस बैठक में, जो कि सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी, इसमें लिए जाएंगे और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक की यदि बात करें तो आज किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और क्या होगा ऐलान, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल अब तक जो जानकारी पहुंचा रहे हैं उसमें यह बताया गया कि 11 बजे से ये बैठक होगी और कैबिनेट के सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नर्सिंग मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेजेस के छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को सभी अनसुटेबल 66 कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए बकायदा पोर्टल बनाकर उसमें छात्रों का एनरोलमेंट करने के लिए कहा गया है, जिससे 4 साल से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य की रुकावट दूर होगी। दरअसल नर्सिंग कॉलेजेस घोटाला के उजागर होने के बाद से कॉलेजेस की परीक्षाओं पर रोक लगी हुई थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। रायपुर महापौर ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आत्महत्या की धमकी दी है। उन्होंने एसएसपी से कहा है कि मैं बहुत आहत हूं, अगर इसमें आप कुछ नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके नाम चिट्ठी लिखकर जाऊंगा, जिसके बाद आप ही इसके जवाबदार होंगे। वहीं ढेबर की इस बात पर एसएसपी ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करें, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। ढेबर अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस कानून व्यवस्था पर राजधानी में प्रदर्शन कर रहा था। और इसी के साथ साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।